क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इतनी जबरदस्त तरीके से की थी जो आज भी एक एग्जाम्पल बना हुआ है। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें कातिल और कत्ल हुए इंसान का पता लगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन भारत के तेज तर्रार ऑफिसर्स ने इसे कुछ ही दिनों में सुलझा दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ सूटकेस व्हिच वाज फाउंड ऑन मुंबई बीच। ये कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर मुंबई से। ये भारत में कोविड आने के एक महीने पहले की बात है। शाम का समय था, लोग मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे, मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। इस दिन हवाएं तेज चल रही थी, लहरें भी काफी उठ रही थी। अचानक से एक तेज लहर अपने साथ एक सूटकेस लेकर आती है और बीच पर पटक देती है। वो सूटकेस एक आम बैग था जिसको लोग आम तौर पर इंटरनेशनल ट्रिप के लिए यूज करते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उस सूटकेस को देखा और पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ही खोलकर उसमें देखते हैं, उनकी चीख निकल जाती है। पूरा सूटकेस खोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। तुरंत पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और उस सूटकेस को खोलती है। उसमें से एक इंसान का हाथ और पैर निकलता है, लेफ्ट साइड का पूरा हाथ कंधे से लेकर हथेली तक और राइट साइड का पूरा पैर। साथ में एक काले रंग का प्लास्टिक बैग भी मिलता है जिसमें उस इंसान के कटे हुए प्राइवेट पार्ट्स थे। इन सब के अलावा कुछ कपड़े भी मिलते हैं उस सूटकेस में। दो शर्ट्स थे जिसमें से एक रेडीमेड था और एक सिलवाया हुआ था, और एक पैंट भी था। इन कपड़ों को इस तरीके से रखा गया था कि हाथ और पैर से निकलने वाले खून को सोख लें। इन सबको उसी सूटकेस में रहने दिया गया और पुलिस आसपास छानबीन करती है, शायद शरीर के बाकी हिस्से भी मिल जाएं। सामने समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, उन्हें पुलिस बुलाती है। इनसे कहा जाता है कि आप समुद्र में जाकर देखिए, क्या इस तरह के और भी सूटकेसेस तैर रहे हैं क्या। मछुआरे लोग अपने नाव में बैठकर समुद्र में उतरते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। समुद्र में मछुआरे थे और बीच पर पुलिस वाले थे। दोनों लोग छानबीन करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब इस सूटकेस को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है एनालिसिस के लिए। हाथ और पैर की जांच हुई, डॉक्टर्स हाथ से फिंगरप्रिंट निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। इन्हें उस हाथ पर कुछ इंक के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ये इंक वोटिंग के दौरान लगाया जाता है। जांच खत्म होने के बाद उस फिंगरप्रिंट को और बाकी की रिपोर्ट को पुलिस को दे दिया गया। पुलिस के पास आम नागरिकों का डेटा बैंक तो था नहीं जहां से किसी के बारे में पता कर सके। अभी हमारे देश में ऐसे प्रोजेक्ट सामने नहीं आए हैं जिसमें आम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सके, लेकिन हाँ, क्रिमिनल्स का डेटा स्टोर करके रखा जाता है, उनका रखना भी जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज में आम लोगों का डेटा भी रखते हैं, आप किसी के भी फिंगरप्रिंट से किसी की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पुलिस समुद्र के किनारे आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे सबको खंगाल डालती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब कि ये कहीं और से बहकर आया था। मिले हुए बॉडी पार्ट से पता चलता है कि इसकी हत्या 4 या 5 दिन पहले हुई होगी। ये 2 दिसंबर 2019 का समय है। नवंबर 2019 के लास्ट वीक में हत्या हुई होगी। पुलिस नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के बॉडी मिलने वाले दिन तक की सारी मिसिंग रिपोर्ट छान मारती है, लेकिन कोई भी अजीब नहीं मिलता। उन लोगों के गुमशुदगी की कहानी इससे मैच नहीं हो रही थी। अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करती है। इनको एक हाथ और पैर, सूटकेस और कुछ कपड़ों से कत्ल होने वाले का और कत्ल करने वाले का पता लगाना था। सूटकेस को देखा गया, वो एक आम सूटकेस लग रहा था। ऐसा नहीं था कि केवल 4 या 5 ही इसी तरीके के सूटकेस बनाए गए हों, ये नॉर्मल बैग था। पुलिस को सूटकेस से कुछ भी हासिल नहीं होता और इसे साइड में रख दिया जाता है। अब बारी थी 2 शर्ट और 1 पैंट की। शर्ट और पैंट भी नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन सिली हुई शर्ट पर एक स्टिकर लगा हुआ था कॉलर पर, जिस पर लिखा था एल्मो मेंस वियर। पुलिस इस दुकान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पता चलता है कि ये दुकान मुंबई के कुर्ला वेस्ट में मौजूद है। पुलिस की एक टीम फटाफट वहां पर पहुंचती है। क्राइम ब्रांच ने इस केस के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई थीं, जिसमें से कोई सीसीटीवी फुटेज देखता तो कोई मिसिंग रिपोर्ट खंगालता। ऐसे ऐसे टीम काम कर रही थी। 5वीं टीम कुर्ला वेस्ट के उस दर्जी के पास जाती है जिसने उस शर्ट को सिला था। पुलिस दर्जी को वो शर्ट दिखाती है। दर्जी कॉलर पर लगे स्टिकर को देखकर पहचान जाता है।
दर्जी अपने कागजी रिकॉर्ड में शर्ट के बिल की कॉपी ढूंढना शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में वो मिल भी गई। अब ये कैसे मिली? जब भी कोई कस्टमर अपना कपड़ा लेकर आता है कुछ भी सिलवाने के लिए, तो ये उसका बिल उसी समय बना देते हैं और उस कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा अपने बिल की कॉपी में स्टेपलर कर लेते हैं, ताकि कपड़ा कौन सा है, किसका है, पहचानने में आसानी हो। दर्जी को वो कपड़े का हिस्सा भी मिल जाता है बिल से चिपका हुआ। इस बिल से पुलिस को एक नाम मिलता है। नाम था बेनेट रिबोलो, लेकिन इस नाम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ना पता था, ना कोई फोन नंबर, ना कुछ और। पहले एक सूटकेस मिला, फिर शर्ट मिला, उस पर स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर से दर्जी के बारे में पता लगाया जाता है। दर्जी से एक नाम मिलता है, बेनेट रिबोलो। पुलिस को इस नाम के आदमी को पूरे मुंबई में ढूंढना था, केवल नाम से। यही सब सोचते सोचते एक ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया ट्रिगर करता है। चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, 2019 की बात है, बेनेट रिबोलो नाम का कोई भी आदमी इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है या फिर नहीं, चलो देखते हैं। पुलिस सबसे पहले फेसबुक को चुनती है, बेनेट रिबोलो को वहाँ पर सर्च करते हैं। इस नाम से ढेर सारे लोग फेसबुक पर मौजूद थे। पुलिस सोचती है कितनों को देखा जाए, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। पुलिस एक एक करके बेनेट रिबोलो नाम के प्रोफाइल को देखना शुरू करती है। अचानक से वो एक प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, वही बेनेट रिबोलो के ढेर सारे फोटोज भी थे। उन फोटोज में से कुछ ऐसे थे जिसमें उन्होंने हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहने थे। पुलिस इस तरह के फोटोज को ध्यान से देखती है और इधर सूटकेस से मिले हाथ और पैर से मिलान करती है। इन्हें काफी हद तक सिमिलर लग रहा था। हाथ की लंबाई, मोटाई, उसका आकार, बनावट काफी हद तक मिलता जुलता था। पुलिस इस अकाउंट को ध्यान से देखना शुरू करती है। एक फोटो में पुलिस को वही रेडीमेड शर्ट दिखाई देती है जो कि महीम बीच पर सूटकेस में मिला था। उस फोटो को देखते हैं, एविडेंस रूम से उस शर्ट को लाया जाता है और मिलान किया जाता है। ये मैच हो गया, उसका कलर, उसकी डिजाइन वगैरह सब कुछ मैच हो गया। पुलिस मान लेती है कि यही वो शख्स है, बेनेट रिबोलो है, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। फेसबुक प्रोफाइल से ही पुलिस को आधी से ज्यादा जानकारी मिल गई, जैसे कि उसका प्रोफेशन क्या था। फेसबुक पर इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईडी कार्ड भी पोस्टेड था, जिसमें से पुलिस को बेनेट रिबोलो का एक प्रॉपर एड्रेस और एक मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है, वो स्विच ऑफ था। अब पुलिस निकल पड़ती है एड्रेस की ओर। ये था सेंटा क्रूज ईस्ट की तरफ का कोई एड्रेस। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। ऑफिसर्स समझ गए कि फोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब कि वो कटे हुए हाथ और पैर बेनेट रिबोलो के ही हैं। फेसबुक प्रोफाइल ने पहले ही शक का बीज बो दिया था इन ऑफिसर्स के दिमाग में। घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से भी बात किया जाता है, फोटोज दिखाते हैं। पड़ोसी कहते हैं, हाँ ये इन्हीं का ही घर है, नाम बेनेट रिबोलो है, पेशे से ये एक म्यूजिशियन है, लेकिन हफ्तों से इनके घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसी आगे बताते हैं कि रिबोलो की एक बेटी भी है, 18 या 19 साल की, आराध्या पाटिल नाम है उसका। वो भी हफ्तों से गायब है, घर पर नहीं आई। जब से रिबोलो नहीं दिखा तब से उनकी बेटी भी नहीं दिखी। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि बेनेट रिबोलो मान लीजिए कि मर चुके हैं, उनकी बेटी भी लापता है, केवल बाप और बेटी ही इस घर में रहते हैं। अगर दोनों के साथ कुछ हुआ है तो घर पर ताला किसने लगाया, आखिर माजरा क्या है। क्राइम ब्रांच के लोग घबरा जाते हैं कि कहीं बेटी के साथ भी कातिलों ने ऐसा वैसा न कर दिया हो। अब ये भागे भागे जाते हैं मुंबई की अदालत में। वहां से घर की तलाशी का परमिट लेकर रिबोलो के घर पर वापस आते हैं। ताले को तोड़ा जाता है, घर के अंदर एंटर करते हैं और तलाशी शुरू होती है। पूरे घर को छान मारा गया, कुछ भी सस्पिशियस चीज पुलिस को नहीं मिलती है। लेकिन दो चीजें ऐसी मिलती हैं जो पुलिस के काम की थीं। पहला था एक फोन नंबर, दूसरी थी एक डायरी। दोनों ही चीजें आराध्या पाटिल की थीं, यानी बेनेट रिबोलो की बेटी की थीं। पहले तो पुलिस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। इसमें एक जगह पर लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, सॉरी डैड, सॉरी फॉर यू, आई एम अ बैड गर्ल, जिसने घर पर रहने को दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी 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 सॉरी। डायरी के एक पन्ने पर यह सब लिखा हुआ था। इसे पढ़कर पुलिस भी हैरान हो गई। एक बेटी ने अपने पिता के लिए लिखा कि उसने अपने पिता को मार दिया है और अब वो माफी मांग रही है। इसके अलावा भी उसने कुछ लिखा, जिसने रहने के लिए जगह दी, परवरिश की, उसी को मार दिया। पुलिस सोचती है, क्या ये उनकी गोद ली हुई बेटी है? ये हत्या उसने ही किया है, लेकिन वो इन्हें क्यों मारेगी? अब पुलिस आराध्या के नंबर को कंट्रोल रूम में भेजती है लोकेशन जानने के लिए, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। बाद में ये ऑन हो गया, एक जगह पर ये एक्टिव दिखा रहा था, वो था घाट को पर। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है। आराध्या को रिया नाम से भी लोग जानते थे।
ये उस लोकेशन पर मिल गई। पुलिस इसके पास आई, ये थोड़ी घबरा गई। इससे पूछते हैं, क्या आप आराध्या हो, बेनेट रिबोलो की बेटी? ये हामी भर देती है कि हाँ मैं ही हूँ। पुलिस आगे पूछती है, आपके पिता कहाँ पर हैं? ये कहती है कि वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के चक्कर में इंडिया से बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहने के लिए आई हूँ। पुलिस अपने साथ वो डायरी भी लेकर आई थी, उसे ये दिखाया जाता है। आपने इस पेज पर क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसका मतलब हमें समझाइए। इतना सुनते ही आराध्या रोने धोने लगी। रोते हुए उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता बेनेट रिबोलो की हत्या कर दी है। अब इसे पुलिस स्टेशन लेकर आया गया, जहां पर ये अपनी पूरी कहानी बताती है, जो कि कुछ ऐसे है। बेनेट रिबोलो की पहले दो शादियां हो चुकी थीं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकी और तलाक हो गया। फिर एक दिन रिबोलो को कहीं पर एक बच्ची मिलती है, जिसका नाम इन्होंने रखा रिया। ऑफिशियल नाम आराध्या पाटिल है। लीगली इसे रिबोलो ने गोद ले लिया, फिर इसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, जरूरतें पूरी की, जो चाहिए था वो सब लाकर इसे दिया। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। कत्ल के 4 महीने पहले नवंबर 2019 में कत्ल हुआ था। अगस्त महीने में ये एक दिन सिद्धि विनायक मंदिर जाती है, वहीं पर इसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का 16 साल का था और ये 18 साल की थी। दोनों मंदिर के पास में मिलते हैं, बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया और उसी मंदिर में मुलाकात के समय दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब फोन पर बातें शुरू हो गईं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आराध्या और ये रिलेशनशिप में आ गए। अब आराध्या अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स 16 साल के बॉयफ्रेंड से शेयर करने लगी। इसने बताया कि मेरे जो पिता हैं वो सगे नहीं हैं, उन्होंने मुझे गोद लिया है, मेरा खर्च उठाते हैं, उन्होंने ही मेरी परवरिश की है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरा यौन शोषण करते हैं। इतना सुनकर बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आ गया। इसने कहा कि वो आदमी इतना सब कुछ कर रहा है, इसके बावजूद भी तुम शांत क्यों बैठी हो, पुलिस में क्यों नहीं गई, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आराध्या ने आगे पुलिस से कहा, जब भी वो इससे मिलता तो हमेशा रिबोलो के बारे में ही पूछता था और गुस्सा हो जाता था, और फिर कहता उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। आराध्या ने आगे पुलिस को बताया, उसने मुझसे इतनी बार पिता के बारे में बोला कि मुझे भी उसके जैसे गुस्सा आने लगा। 23 नवंबर 2019 को इन्होंने तय किया कि ये रिबोलो को जान से मार देंगे। 26 नवंबर 2019 को आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया। आराध्या घर पर ही थी, लेकिन उसके पिता बाहर थे। थोड़ी देर बाद आराध्या के पिता रिबोलो घर पर आते हैं। उनके आते ही आराध्या उनसे लड़ने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो आपने अपनी बेटी माना था, फिर भी आपने मेरे साथ गलत क्यों किया, मेरा यौन शोषण क्यों किया, मेरा फायदा क्यों उठाया। बेनेट रिबोलो इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता था कि इसके दोस्त ने इसे भड़काया होगा। इतने में रिबोलो को गुस्सा आता है और ये अपना गिटार लेकर आराध्या की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। फिर बॉयफ्रेंड पीछे से एक वजनी चीज लेकर रिबोलो के सर पर जोर से वार करता है, जिसके बाद रिबोलो जमीन पर गिर जाते हैं और फिर ये दोनों रिबोलो की पिटाई करते हैं, खूब पीटते हैं। रिबोलो बेहोश हो गए। दोनों ने घर में रखा हुआ एक स्प्रे लिया, मच्छर या कॉकरोच मारने वाला, रिबोलो के मुंह में रखकर पूरी बोतल खाली कर दी। इसके बाद भी वो जिंदा थे। फिर ये किचन में गए और वहां से चाकू उठा लाए और रिबोलो के शरीर को गोदना शुरू कर दिया। जब इन्हें लगा कि रिबोलो मर चुके हैं तो इनकी बॉडी को घसीट कर बाथरूम में लेकर गए और बंद कर दिया, ताकि इनके शरीर से हर एक बूंद निकल जाए और बॉडी को ठिकाने लगाने में आसानी हो। धीरे धीरे रात बीत गया। 26 नवंबर से 27 नवंबर आ गया। ये दोनों मार्केट गए, वहाँ से कई सूटकेस खरीदे, तेज धार चाकू खरीदे, प्लास्टिक की थैलियाँ खरीदी और घर पर आ गए। इसके बाद बाथरूम में जाकर शरीर के टुकड़े करने लगे। बॉडी को काटने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये चाकू को गर्म करके काट रहे थे। हथौड़े से हड्डियों को तोड़ा गया। ये बॉडी को काटते जा रहे थे और पॉलीथीन में भरकर सूटकेस में पैक करते जा रहे थे, लेकिन एक हाथ और एक पैर से खून अभी भी रिस रहा था, लेफ्ट हैंड और राइट लेग से। इन्हें एक अलग से सूटकेस में रखा जाता है, साथ में एक प्लास्टिक बैग रखते हैं, प्राइवेट पार्ट से भरा हुआ। खून सूटकेस से बाहर ना निकले, इसलिए रिबोलो के ही कपड़े को लेकर उस सूटकेस में रख दिया गया, ताकि ये खून को सोख ले। अगले दिन रात को ये मीठी नदी पर जाते हैं और यहीं पर अलग अलग जगह पर सूटकेसेस को फेंक देते हैं। इसी नदी से होकर एक सूटकेस समुद्र में पहुंच गया, जिसके बाद लहरों ने उसे महीम बीच पर फेंक दिया। कहानी सुनने के बाद आराध्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में इसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लेते हैं। चूंकि वो नाबालिग था, 16 साल का था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया।
लड़के की उम्र 19 साल थी, इसलिए इस पर कार्यवाही शुरू हुई। सबूत छुपाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था उस पर लगे एक स्टिकर ने पूरा राज खोल दिया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।